What's up guys, my name is Ezio Tindrap and hopefully तुम लोग का दिन बहुत ही ज़्यादा awesome जा रहा है, उसको और भी ज़्यादा awesome करने वाले हैं क्योंकि आज हम लोग बनाने वाले हैं the sandwich, the Bombay sandwich. Seriously, Italian मुझे पता नहीं था पर आज बटाटे के साथ सब कुछ खुल जाता है भाई, jackpot है ये हमारी ज़िंदगी का, ये बटाटा ऐसे अजीब क्यों है? ये समस्या है. Finally हम लोग बनाने वाले हैं जो 200 special video होने वाला था वो अभी 210 के ऊपर आ रहा है. Thank you so much for 200 के subscribers. 200 जियोस एक साथ आ गए तो ये सैंडविच बचेगा नहीं और बचाना भी नहीं है. आज हम लोग बनाने वाले हैं द बॉम्बे सैंडविच. ये सैंडविच बचपन में मैंने बहुत ज़्यादा खाया है, अभी खाने को मौका नहीं मिलता और वो एक्चुअली अंकल भी बंद हो गए बनाना, पर उनके यहाँ पे मैं झाक झाक के पूरी तरह से ये चटनी नहीं सीखी है बिकॉज इस सैंडविच में एक्चुअली कुछ नहीं है. देखा जाए तो बॉम्बे सैंडविच के अंदर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है चटनी. डूड ये चटनी मतलब ये चटनी इज बेस्ट चटनी एवर. मतलब वो चाट में यूज हो सकती है, वो सैंडविच में यूज हो सकती है, वो टाइम पास में खाने में यूज हो सकती है, पर एक्चुअली वो बहुत ज्यादा तीखी हो जाएगी. सो अभी मुंह को भी तीखा लगेगा, कल सुबह दूसरे छेदों को भी तीखा लगेगा. और कव्वा जी क्यों आ रहे हो? देखो हमारे कव्वे जी को भी फुटेज चाहिए. मैं बचपन में कव्वे की तरफ से छेड़ा गया हूँ, वो स्टोरी अलग से मैं कभी बताऊंगा तुम लोगों को, पर अभी फिलहाल के लिए लेट्स हैव सम फन. तो सैंडविच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाव, और पाव इज अ सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी. तुम लोगों को पता ही है बूस्ट बीस्ट कल का हो गया भाई, अभी पाव पे जिंदगी चलती है पूरी तरह से. पाव इज शक्ति और उसके साथ आलू एज ऑलवेज हमारी ऑसम चीजें, और उसके साथ एक मिनट अभी सारी चीजों का प्रदर्शन. पहले तो पाव इज अ सीक्रेट, पाव इज अ शक्ति. आशीर्वाद ले लो उससे पूरी तरह से, नमस्ते करो पाव जी को. उसके बाद मिक्सर चाहिए हम लोगों को क्योंकि हम लोगों को चटनी बनानी है. उसके बाद ककड़ी, उसके बाद ये क्या है इसको क्या बोलते हैं, ओनियन कांदा, और उसके बाद टोमेटो, उसके बाद शिमला मिर्ची ही ऑप्शनल है, ये बकवास चीज़ है, इससे कुछ नहीं होता, सिर्फ कलर अच्छे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बकवास पथेटिक चीज़ है. जिन जिन लोगों को शिमला मिर्ची पसंद है अभी चले जाओ, बस हो गया इतना वीडियो देख लिया, बस हो गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है, बकवास चीज़ है ये दुनिया में बनाई गई. उसके बाद ओरियो नहीं चाहिए हम लोग को, एक्चुअली हम लोग को चाहिए बहुत ज़्यादा धनिया. मतलब हमारे में कोथिंबीर बोलते हैं इसको, आई गेस तुम लोगों में को धनिया बोलते होंगे, अगर नहीं बोलते तो ये झाड़ पट्टी जो है वो तुम लोग को यूज़ करना है. उसके बाद पोटैटो एज ऑलवेज माय लव. उसके बाद थोड़े से मसाले के लिए ये, और मिर्ची कहाँ पे है भाई? ओके मिर्ची, ओके लिखा है, मैं कभी कभी अनपढ़ हूँ बहुत ज़्यादा, मेरी मम्मी सब लिख के रखती है पर मेरे को पता नहीं चल रहा कि क्या यूज़ होने वाला है और कैसे यूज़ करने वाला हूँ मैं सारी चीज़ें. ये चटनी का जो इन्वेंशन है वो पूरी तरह से तुम लोगों के भाई ने किया है अपने हाथों से, इस नन्ने मुन्ने आंखों से. और वो अंकल जब चुरा चुरा के चटनियां बनाते थे और मिक्स करते थे तब झाक झाक के मैंने सीखा है कि ये चटनी एक्चुअली बनती कैसी है. तो इस चटनी के लिए हम लोगों को चाहिए पहले तो बहुत ज्यादा धनिया, बहुत ही ज्यादा. उस धनिए को ठूसने का यहाँ पे, वैसे मुझे अंदाजे नहीं पता हा? मैं एक्चुअली किसी भी चीज को जब बनाता हूँ तब वो शेफ लोग बताते हैं ना कि आधा चम्मच ये, एक कप धनिया वगैरह, वो वाली चीजें मुझे पसंद नहीं है क्योंकि अगर देखो ना सब लोगों ने अगर सेम क्वांटिटी के हिसाब से एकदम परफेक्शन की तरह खाना बनाया तो सबका खाना पूरी तरह से वो आईफोन की तरह हो जाएगा, पूरी तरह से सबका सेम 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 सेम, ऐसे थोड़ी होता है. एंड्रॉयड होना चाहिए ना खाने में, क्योंकि सबके घर पे अलग अलग मिलना चाहिए ताकि हम लोग दूसरे आंटी के पास जाए, वहाँ पे खाना खाए और फिर मजे से ऐसे बोले कि मम्मी ये बहुत ज़्यादा अच्छा असर लग रहा है, फिर मम्मी का ईगो हर्ट होगा, आंटी का ईगो बूस्ट होगा, उसके बाद उनका बेटा अगले यहाँ पे जाएगा, वहाँ पे कूतरिया. सब लोगों ने अगर सेम ही क्वांटिटी के हिसाब से एकदम मेजरमेंट करके खाना बनाया तो वो बहुत ज़्यादा पैकेज फूड की तरह नहीं लगेगा, मतलब सब जगह पे सेम ही. तो उसके बाद हम लोगों को मिर्ची ऑलमोस्ट लाइक, अभी मैं तो तीखा, तुम लोगों को पता है तीखा इज लव, अपने को डर ही नहीं लगता कल सुबह क्या होने वाला है, पर हम पुन खाता है. 1 2 3 4 5 5 इज गुड, मतलब तीखा तीखा जो फ्लेवर आएगा ना, इतना तुम लोगों को ये लेना है, ये इसको क्या बोलते हैं जिससे वैम्पायर डरते हैं, लहसुन, लहसुन लहसुन, इसको लहसुन डालना है. इतनी सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी है, उसके साथ फिर हम लोगों को डालना है. बेटा बेटा किधर जा रहा है बेटा, सब चीजें मेरे से भागती क्यों है? उसके बाद अदरक, उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं भूल गया स्टार्टिंग से ही लेना बिकॉज मैं बहुत ज्यादा मनुस हूँ. ओ नो नो, अरे मम्मी चण्याची डाळ कुठे? आहे ना चण्याची डाळ. कुठे?
कुत्ते शेंगदन है। ओके टाटा। देवा हमारा जीनी आ गया था यहाँ पे, एक मिनट। जीनी से फाइनली मुझे मेन चीज, वही मुझे टेंशन आ गया कि मेरे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस चटनी को चटनी बनाने वाली इस, ये कुछ तो चने की दाल होती है जिसको थोड़ा सा सेक लेते हैं, वो आई गेस बाजार में तुम लोगों को मिल जाएगी, वो भी थोड़ा सा, इससे वो थिकनेस आता है जो क्रीमीनेस होता है ना हमारे टोमेटो सॉस को वगैरह, वैसे इस चटनी को क्रीमीनेस के लिए इसको यूज किया जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, यूज करने का, ऐसा ऐसा डालने का। लुक एट दिस चना बे, सॉल्ट बे का चाचा, मुझे सॉल्ट डालना नहीं आता बिल्कुल। ओके मैं अंदाजे से अभी थोड़ा सा डालने वाला हूँ, बाद में अगर गड़बड़ हुआ तो देख लेगा बाबा। ए गया मेरा सब गया रे, एक बार ये चटनी बन जाए फिर तो मजे ही मजे है हमारे। चाट मसाला और नींबू बॉय। ओके वो गिर गया, ग्रेविटी ने उसको छीन लिया। सो नींबू इज डन, जो मेरा हाथी दिख रहा है शायद ये गया नींबू। अभी चाट मसाला ओपनिंग स्पीड रन। यस ओके एक मिनट, चाट मसाला ड्रीम बॉय, देयर वी गो बॉय, दैट्स हाउ वी डू। उसके बाद इसके अंदर ऐसे टुचुक टुचुक एकदम नजाकत से, ये देखो आजा मेरी चटनी, मेरी ककड़ी तुझे कैसी, आजा 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 आजा, देयर वी गो, चाट मसाला इज लव। इस वजह से मुझे टाइम लगा था, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं एक फ्लेवर आ रहा था इस चटनी के अंदर, पर मुझे समझ में आ रहा था ये फ्लेवर है कौन सा। So, इस वजह से मुझे ये, फिर मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया कि ये चटनी कैसे बनती होगी, और चाट में हमेशा चटपटी चीज़ कुछ ना चाहिए, तो इसलिए इसमें चाट मसाला डालना है। और आई गेस मैंने अभी सारी चीज़ें बराबर से की है, तो हमारी ऑलमोस्ट चटनी बन गई है। अभी से इसको ग्राइंड करना है, और जिसके लिए अपने पास पानी की दरे रे बाबा, अपने ज़िंदगी में पानी का। ओके आई नो यहाँ पे नल है, पर हम लोग को नल से पानी नहीं लेना है, मेरी मम्मी मर्डर कर देगी अगर मैंने नल का पानी यूज़ किया तो। ये गया थोड़ा सा पानी, एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा पानी होना इज गुड आइडिया, वैसे थोड़ा सा ज़्यादा पानी, थोड़ा 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 जान दे रे। धूम मचा के आया मैं 2 मिनट में। ये जो मजा है ना F1 का, वो मजा सिर्फ किचन में आ सकता है। There we go। हाँ ये जो खुशबू तुम लोग लोगे ना, मतलब ये जो पसीना जा रहा है ना मेरा, वो पूरा वर्थ लगने लगता है जब ये खुशबू फर्स्ट टाइम तुम लोग लोगे। वैसे बटाटा की तुम लोग सब्जी भी बना सकते हो, पर असली बॉम्बे सैंडविच जो होता है उसमें बटाटे की सब्जी नहीं बनाते वो लोग, वो भी आलसी होते हैं, और तुम लोगों को पता ही है आलसियत का नाम क्या है, हम है। इसको सिंपली स्लाइसेस करने का, देयर वी गो, आजा मेरी चटनी। इसको जितना लगाओगे उतना कमी है डूड, जितना लगा सकते हो उतना लगाओ, बिंदास बिंदास, मतलब तीखी बनाई होगी तो थोड़ा कम लगाना, नहीं तो जल जाओगे पूरी तरह से। इसको बोलते हैं, अरे बाबा मैंने ट्राइपॉड तोड़ दिया या फिर कुछ और, ये वो सीरियसली मैं तोड़ दिया, व्हाट, नहीं 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 टूटा नहीं टूटा नहीं टूटा, वो मजबूत, हम मजबूत ही इतना है कि ट्राइपॉड भी तोड़ देता है साहब। ओके तो अभी मुझे ऐसे करना पड़ेगा, चलेगा आपने को क्या है। ओके तो उसके बाद पहला लेयर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज बटाटा, मैन बटाटा पहला लेयर होना ही चाहिए। चाट मसाला मेरे को चाहिए जो मैं भूल गया कहाँ पे मैंने रखा, अभी तो था। ओके मिला 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 मिला, किसी ने कुछ नहीं सुना, अगर मेरी आज मौत हो गई तो मेरी मम्मी ने मेरा मर्डर किया है। ये है चाट मसाला और ये है अपना नमक सॉल्ट टाटा वाला, देयर वी गो। और फिर अभी हम लोगों को चाट मसाला थोड़ा सा लेना है, और यहाँ पे ऐसे हल्के से एकदम नजाकत से ऐसे टुचुक 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 डालना है, मस्त एकदम, जितना तुम लोगों को चटपटी चाहिए उतना ऐसे इसकी खुशबू ही अलग, नेक्स्ट लेवल है यार सीरियसली, डन। और उसके बाद थोड़ा सा नमक, देयर वी गो, नमक 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 बॉय, अच्छा मेरी ककड़ी, एक मिनट, हाँ ककड़ी से याद आया, ककड़ी भी लगा। उसके बाद सेकेंड लेयर ककड़ी, देयर वी गो, अभी मुझे परेश रावल की याद आ रही है,
आजा मेरी ककड़ी, आजा मेरी ककड़ी, कशी तुरे वाकड़ी, माजी माजी ककड़ी। देर वी गो, ककड़ी इज डन, मेरे अभी मजा ही। उसके बाद सबसे मनुष्य चीज, इतना ही लगाओ, इससे ज्यादा नहीं लगाने का, बिल्कुल इससे ज्यादा लगाएगा कोई तो बस अनसब्सक्राइब कर लो अभी का अभी। शिमला मिर्ची का नाम नहीं लेने का मेरे सामने मनुष्य। कांदा, कांदा इज लव। ओके आई गेस वी आर गोइंग, नहीं टोमेटो, अरे टोमेटो मजा लव। हर एक लेयर के बाद हम लोगों को थोड़ा सा चाट मसाला रखना है और थोड़ा सा नमक डालना है ताकि वो बहुत ही ज़्यादा ऑसमली फ्लेवर ले। और उसके बाद फिर से चाटी चाटी मसाली, देयर वी गो नमकी बॉय। ओके अभी नया वाला देना है हम लोगों को, और इसको पहले हम लोगों को सॉस लगाना है। सॉस ये ऐसे मस्त सा ऐसे स्माइली बीली फेस बनाएगा, लुक एट दिस स्माइली वाला फेस, और उसको मस्त ऐसा 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 सब कुछ गिर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी चटनी, बिकॉज चटनी इज लव। होपफुली तुम लोगों को अभी भी पता चल ही गया होगा, ये चटनी जान है इस पूरे बॉम्बे सैंडविच की। बॉम्बे सैंडविच मैन, बॉम्बे सैंडविच, विदाउट बीइंग इन अ बॉम्बे यू आर मेकिंग द बॉम्बे सैंडविच। और ये क्या लादी दिख रहे हो? ओके देयर वी गो, ये कहीं से ढूंढना पड़ेगा। अमूल बटर इज लव मैन, सीरियसली अमूल बटर के सिवाय बॉम्बे सैंडविच बन ही नहीं सकता। वो न्यूट्रेला छल छलावे पनोती, मतलब असली वो न्यूट्रेला वाला बोलते हैं कि न्यूट्रेला खाओ फिर तुम लोग को हार्ट अटैक नहीं आएगा। अरे हम लोग को हार्ट अटैक दो बाबा, हम लोग को मजा आने दो थोड़ा सा, जिंदगी के मजे लेने के बाद हार्ट अटैक आए तो वो भी वर्थ होता है, रादर देन ऐसे गंदे वो न्यूट्रेला जिसमें सॉल्ट नहीं होता। बटर के अंदर सॉल्ट नहीं तो जिंदगी के अंदर मजा नहीं बाबा, बटर के अंदर सॉल्ट जरूरी है, फिर उससे हार्ट अटैक आए तो अभी भी चलेगा बाबा। मैं खुशी खुशी हार्ट अटैक से मरना पसंद करेगा। अभी मस्त जितना तुम लोग लगा सकते हो ना, जितना बटर उतना लगाने का बाबा, मतलब एकदम भी नहीं, मतलब बाटली मत फेंक देना नहीं तो तुम लोग की मम्मी मेरे को ढूंढ के मर्डर बेड़े कर देगी। मैं यही सैंडविच मेकर यूज करता हूँ, मुझे वो मशीन वाले सैंडविच मेकर में सैंडविच बनाया हुआ पसंद भी नहीं है, वो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता है। और ये देखा न्यूटन साला कुत्ता, न्यूटन की वजह से सारी चीजें गिरती है यार, गजब बेइज्जती है। के गैस में दो प्रकार के गैस होते हैं, हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही है। ये वाला गैस है ना, ये इतना जलता है कि भाई ये पूरा खानदान जला देगा किसी का। और ये है जिससे भाई कोई मतलब किसको चटका भी नहीं लग सकता है, ये बहुत ज्यादा लो है। तो लो फ्लेम वाले गैस के ऊपर हम लोगों को सैंडविच बनाना है, ऑलवेज रिमेम्बर दिस। वो स्लो स्लो बनता है पर स्लो में मजा है बाबा। बटर मैन, फिर से बटर, फिर ऐसे नहलाने का उसको, आहा आहा देखो ऐसे नहा के हो गया उसका। और बटर गिरता बिरता भी है, उसको भी ग्रेविटी अप्लाई होता है या फिर कुछ और। और उसके बाद बहुत ही ज्यादा ध्यान से, बहुत ही ज्यादा ध्यान से इसको पकड़ने का, मतलब मैं पकड़ रहा हूँ तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ऐसे पकड़ने का और इसके ऊपर टचक टचक से डालने का। हो गया, अब इसको फटैक से नीचे आराम से जान दो जान दो जान दो जान दो, डन। अभी गैस लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और उसके बाद इसको उल्टा करने का, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाओ जितना दबा सकते हो, और उसके बाद इसको खोलने का, फिर ये ऐसे गंदा सा एंगल लेगा, और उसके बाद इसके ऊपर मस्त बटर ना भाऊ। अरे यार टाइम है इसको सेकने का पूरी तरह से, अभी तो मुझे इतना पसीना आने वाला है ना मैं मरने वाला हूँ। नॉर्मल आँच के ऊपर ऐसे जलाते रहने का, आराम से ऐसे जलाने का, खोलने का, फिर से उल्टा करने का, फिर ऐसे खोलने का, ऐसे लगाने का, ऐसे करते रहने का। फर्स्ट सैंडविच बनने के लिए 3 से 4 मिनट ज़्यादा लगते हैं। उसके बाद जब तुम लोग गर्म पैन, मतलब ये गर्म हो जाता है पूरी तरह से बर्तन सैंडविच मेकर, तो उसके बाद बहुत 5-5 मिनट में, ऑलमोस्ट 3-3 मिनट में बन जाते हैं सारे सैंडविच। और अभी मैंने फैन बंद किया है तो अभी वो फ्लेम भी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट हो गई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ऑसम कलर आया, ये फ्रंट साइड होगा, बैक साइड वो होगा, डन। अभी इसको मस्त सा निकालने का हम लोग को, एक मिनट ये साइड रखो सब कुछ, एंड देयर वी गो, सैंडविच इज डन बॉय। मैं बहुत सारी चीजें भूल जाता हूँ, गजनी धर्मात्मा हूँ मैं। यस हम लोगों को ये भी यूज करना है, ऐसे इसको दोनों तरफ से पकड़ के एकदम पूरी शिद्दत, ऐसे 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 कोई तुम्हारा ना का दुश्मन वगैरह होगा ना नाइफ का, उसका नाम लो पूरी तरह से, ऐसे समझो उसका गला ही है, और एक ही वार में कट जाना चाहिए, एक ही वार में, देयर वी गो, एक ही वार में कट जाना चाहिए पूरी तरह से।
ओके तभी ये फट गया एक ही बार में. कम ऑन, 1 2 3 डन बॉय. बॉम्बे सैंडविच इज ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन. अभी तक हुआ नहीं है, अभी थोड़ा सा बटर लेने का ताकि वो सेव जो हम लोग ऊपर से लगाने वाले हैं वो गर्म हो, तभी ये करना है हम लोगों को. नाइलॉन शेव. ओहो माय बॉय, वो अंकल बहुत ज्यादा डालते थे जब मैं बचपन में खाता था. बचपन मतलब अभी 2 साल पहले डूड, मेरा बचपन 2 साल पहले ही खत्म हुआ है. द बॉम्बे सैंडविच डूड डन पूरी तरह से. होपफुली कलर्स अच्छे आ रहे हैं. ये लो, अभी आ रहे हो ना खाने के लिए, तो खाना है तो अभी के अभी जस्ट सब्सक्राइब मैन, सब्सक्राइब, जस्ट लाइक दिस वीडियो ताकि मुझे पता चले कि कुकिंग वीडियोस तुम लोगों को पसंद है. और होपफुली ये जो पसीना बहा है ये वो पूरी तरह से वर्थ रहे. होपफुली तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा इसको. प्लीज मेक श्योर यू लीव अ लाइक, दैट विल बी सुपर डुपर अप्रिशिएटेड. होपफुली 10,000 लाइक्स क्या तुम लोग कर सकते हो, मतलब लिटरली लाइक आप 10 घंटे में 10,000 लाइक्स क्या हम लोग कर सकते हैं मेरे कुकिंग वीडियो के ऊपर. पर ये रहा हमारा बॉम्बे सैंडविच मेड बाय एजियो एटन रिप. 200K सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और अभी और भी फूड वीडियोस बनाने हैं मुझे, मतलब अभी इस सेम चटनी के साथ हम लोग भेलपुरी बना सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा ऑसम बनता है, मतलब प्रॉपर मुंबई स्टाइल वाला. और ये भी मुंबई स्टाइल वाला सैंडविच था. और वैसे पिज्जा भी बना सकते हैं हम लोग. सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन तुम लोग को और ज्यादा कुकिंग वीडियो चाहिए नहीं चाहिए. पर ये था हमारा बॉम्बे सैंडविच. होपफुली तुमने एंजॉय किया होगा. लीव अ लाइक. आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. दिस इज योर ट्रिप साइनिंग आउट. पीस आउट गाइस. बाय बाय. 1 मिनट. ओ ओ 1 मिनट. आजा मेरी चटनी.